तो हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। वैसे बात बड़े होंगे, तुम लोग मुझे भूले नहीं होंगे। तो भाई भूलोगे भी कैसे, मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ अभी, तो जब तक हो सके रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी जब एग्ज़ाम एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो शायद नहीं डाल पाऊँगा, तो तब देख लेना भाई, बने रहना रेगुलर। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता, तुम रेगुलर बने रहना, तुम एक अच्छे सब्सक्राइबर की तरह बिहेव करना उस टाइम पर जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे होंगे, क्योंकि मैं वीडियोज़ रेगुलर नहीं डालूंगा। तो फालतू की बकवास नहीं करेंगे, बेसिकली डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं अब। तो भाई सिंपल सा टॉपिक है हमारे वीडियो में। तो भाई एक बंदे ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि भाई हम एपिक और स्टीम से दोनों से गेम कैसे फ्री में क्लेम कर सकते हैं, उस बारे में उसे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और उसे इस बारे में भी जानना था कि कौन कौन से गेम फ्री होने वाले हैं। तो मैं वो सब बता दूंगा तुम्हें, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तुम्हें भी कैसे पता चल जाए, मैं भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखोगे ना तो तुम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे, अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करोगे धीरे धीरे करके तो तुम बन जाओगे। वैसी बात है यार, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो सब चीज़ें, ठीक है? बस उसके लिए क्या करना है, तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दबा के रखना है, और जिस दिन मैं कहूँ लाइक करना है उस दिन भाई को लाइक करना है। तो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें पता होगा भाई, एपिक गेम्स और स्टीम दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर तुम गेम फ्री में क्लेम करके रख सकते हो, और जीफोर्स नाउ में खेल सकते हो, ठीक है? ये दोनों ही प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है तुम्हारा जीफोर्स नाउ, कोई कोई गेम में, और कोई कोई गेम में नहीं भी करता है। वो अपडेट की बात है यार, जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो उसमें जल्दी जल्दी ऑप्शन भी आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बट तुम क्लेम करके रखो तो तुम्हें फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तुम्हें मुझे ये नहीं पता कि GT 6 आएगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट क्योंकि रॉकस्टार के गेम का इशू रहा था ना बीच में, GT 5 जब उन्होंने रिमूव करवा दिया, तो पॉसिबिलिटीज़ तो ना के बराबर है। लेकिन जब साइबरपंक है आया था, लेटेस्ट गेम आया था साइबरपंक, तो वही GT 5 भी हो, GT 6 भी हो सकता है कि आए। बट ये तो मेरी एक सिर्फ एक थ्योरी है थोड़ी छोटी सी, कि हो सकता है उस टाइम पे वो दोबारा उसका कॉपीराइट वगैरह का इशू सॉल्व कर लें, तब तक कि GT 6 तो खेल पाए हम, जो GT 6 का फीचर हमें अलाउ करें कि GT 6 उसमें डायरेक्टली शो करे, हमें कोई क्रैक या जुगाड़ वगाड़ ना लगाना पड़े, है नी? तो मैं भी ये तो बस मेरी थ्योरी है, काम करेगी तो बढ़िया, नहीं तो हम तो हैं यूट्यूबर, अलग अलग वीडियो बनाना काम ही है। तो भाई ये जो प्लेटफॉर्म है, तुम दोनों पर गेम कैसे फ्री में क्लेम कर सकते हो, तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें याद होगा हर थर्सडे को एपिक गेम्स फ्री करता है, और स्टीम की मुझे डेट याद नहीं है किस हफ्ते में कौन से मंथ को गेम फ्री करता है, बट प्रोमो को भी गेम फ्री करता है। तुम्हें हफ्ते में एटलीस्ट एक बार आके स्टीम पर चेकआउट करना है कि गेम क्लेम हो रहा है, गेम कोई फ्री हुआ कि नहीं हुआ, कोई लिस्ट अपडेट हुई कि नहीं हुई, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा यार। और बाकी अगर तुम नहीं करना चाहते हो, तुम अगर नहीं करना चाहते हो तो भाई तुम्हारा वाइस इसलिए बैठा है, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, है नहीं? सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि तुम्हें लेटेस्ट अपडेट मिल सके हमारे चैनल से रिगार्डिंग, प्लस गेमिंग कम्युनिटी से रिगार्डिंग। तो एक्टिव रहो, थोड़ा सा भाई का सपोर्ट बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा, और थोड़ा चैनल भी ग्रो हो जाएगा हमारा, भला भी हो जाएगा तुम्हारा भी, तुम्हें भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एटलीस्ट, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ तो हाथ लगेगा ही तुम्हारे। तो भाई तुम्हें भी क्या करना होता है ना, तुम्हें एक हफ्ते में थर्सडे को एपिक गेम्स पे गेम फ्री होते हैं, तुम्हें वहाँ पे जाके क्लेम करना रहता है, क्लेम कर लेना होता है, तुम्हें वो गेम फ्री में तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगा, परमानेंटली तुम्हारी लाइब्रेरी में बना रहेगा। जब तक तुम्हारा अकाउंट जिंदा है, तुम्हारे पास उसकी आईडी, उसका पासवर्ड मौजूद है, तब तक भाई तुम आराम से उसे एक्सेस कर सकते हो उस गेम को फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तुमने देखा होगा भाई, GT 5 जब फ्री हुआ तो तुमने लोगों ने PC नहीं थे फिर भी लाइब्रेरी में लेके रख लिया, उसके बावजूद भी वो खेल नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि PC नहीं है, बट उन्होंने गेम लेके रख लिया है अपने पास, ठीक है? अब ये चीज़ हमेशा याद रखना, उन्होंने गेम क्लेम करके रख लिया, ये उन्हें समझदारी वाला काम किया। अगर वो कभी PC नहीं भी बनवा देना तो वो 100-200 रुपये में उस आईडी को आराम से बेच सकता है बंदा, मतलब बिजनेस इसमें बहुत तगड़ा था जब वो गेम फ्री हुआ था। मैंने तो भाई एक ही आईडी पे लिया था, बल्कि मैंने 4 आईडी पे लिया था, 2 का पासवर्ड भूल गया मैं क्या था, और एक का मुझे एक मैंने अपनी गलती की वजह से डिलीट कर दी थी, मैं क्या करूँ यार भूल गया था, और मेरे पास एक ही गेम बचा है एट दी एंड, पता नहीं कैसे मैं इतना बड़ा बोला करूँ कि मैंने आईडी पासवर्ड भुला दिए। तो जब ये कभी याद आएंगे तो मैं पब्लिक कर दूंगा, तो तुम लोग आराम से मौज ले लेना, जो यूज़ करना चाहता है करे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बाकी तुम्हें मैं अपनी लाइब्रेरी दिखाऊंगा और स्टीम पर लेके चलता हूँ कि तुम्हें कौन किस सेक्शन में कहाँ पे गेम फ्री मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ठीक है? चलो चलते हैं भाई, हम आ चुके हैं मेरे थकेले PC पे, देखते हैं इसके क्या हाल चल रहे हैं। ये मैंने अलग से एक रिकॉर्डर लगाया हुआ है जुगाड़ तुगाड़ करके, तो वो काम कर रहा है। बाकी देख सकते हो भाई, जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे ना तो तुम्हें डिस्प्ले पे पहले दिख जाएंगे कौन कौन से गेम सस्ते हो रखे हैं, किस किस का रेट डाउन हो रखा है। अभी तुम देख सकते हो भाई, यहाँ वेलम आया था, क्या वेलम काफ़ी बढ़िया गेम है, कुछ टाइम तक GeForce Now पे चला था, GeForce Now ने अच्छा खासा प्रमोट किया था बैनर में लगा के उसे। ये गेम
ये गेम मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया, तुम्हें इसे खेलना चाहिए, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम नहीं है ये। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हें इस गेम को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि GeForce Now पर अवेलेबल है और सिंगल प्लेयर गेम है मेरे ख्याल से, तो सिंगल प्लेयर में तुम खेलना चाहो तो खेल सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें। अब बाकी तुम ये देख सकते हो भाई, मेट्रो एक्सोडस जो गेम है कंप्लीट एडिशन, ये फ्री नहीं हुआ है, इसका रेट डाउन हो रखा है, भाई जिसको मेट्रो एक्सोडस खेलना है वो परचेज़ कर सकता है। इसके दो वर्जन है, एक पे 70% एक पे 66% का ऑफ है। 70% ऑफ है 1500 वाले पे, 66% है 1000 रुपये वाले पे। अब 3-4% से कुछ खासा फ़र्क पड़ा नहीं है, पर रेट का थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। अब तुम्हें सिर्फ मेट्रो एक्सोडस चाहिए तो तुम भाई देख सकते हो 340 रुपये का है। अभी तुम्हें पता है इतने रुपये तो तुम हफ्ते में खा लेते होंगे, अगर तुम्हें रेगुलर पैसे मिलते होंगे तो इतने तो तुम हफ्ते भर में उड़ा देते होंगे, 300-350 रुपये। अब ऐसे में अगर तुम इस गेम को परचेज़ करके खेलना चाहते हो ना तो तुम खेल सकते हो, क्योंकि मेट्रो एक्सोडस है अवेलेबल GeForce Now पे, तो तुम खेल सकते हो अपनी मर्जी से, तुम्हें मज़ा आएगा खेलने में, ये काफ़ी अच्छा गेम है। तुम खुद देख सकते हो भाई इसका इंट्रो कितना ख़तरनाक चल रहा है, मुझे भी काफ़ी हद तक खेलना था बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो नहीं मैं भी खेलता GeForce Now पे कनेक्ट कर कुरा के, तुम्हें भी एक अच्छा खासा गेम प्ले देता, बट मैं पैसा जोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ काम ही आएगा एट दी एंड, है नहीं। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं, ये गेम ये अगर तुम लेना चाहो तो तुम इसे ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और भाई तुम देख सकते हो इसमें ये जो गेम है ये जितनी अपनी प्राइसिंग पे आया उस प्राइसिंग के हिसाब से अभी ऑफर चल रहा है, तो उससे रेट डाउन में है, तो तुम ये चीज़ ज़रा खुद समझो कि अभी इस हिसाब से सही है, इतना ज़्यादा ओवर हाई प्राइस नहीं है इसका। 340 रुपये मेरे ख्याल से काफ़ी पेएबल अमाउंट है, हमें पे करना चाहिए कि इतना हम खेल सकें। बाकी पायरेसी वाले लोग हैं, मैं पायरेसी अलाउ नहीं करता चैनल पे, पता चला साला मुझे कॉपीराइट आ गया पायरेसी के करते, इसलिए मैं अलाउ नहीं करता कभी भी, क्योंकि मैंने देखा है रिसेंटली चैनलों पे उन चैनल्स को हार्म हुआ जिन चैनल पायरेसी करते थे। अब तुम देख सकते हो भाई वहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन था फ्री टू प्ले गेम्स, अब तुम फ्री टू प्ले गेम्स में देख सकते हो भाई तुम्हें कौन सा गेम फ्री में क्लेम करना है, प्ले करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई कई गेम ऐसे ना फ्री है यहाँ पे, ये एक अलग से लाइब्रेरी है जिसमें फ्री वाले गेम रहते हैं जो फ्री हमेशा ही मिल जाएंगे, तो मैं और लिस्ट उनकी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, और इसमें तुम्हें वो सारे गेम मिलेंगे जो फ्री रहते हैं, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स वेसिस नहीं होती और ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती लोगों को खेलने में। कई मल्टीप्लेयर गेम तुम्हें ऐसे फ्री मिल जाएंगे, कई अलग अलग टाइप के गेम फ्री मिल जाएंगे, बगल में मेन्यू तुम उसमें कैटेगराइज कर सकते हो कि तुम्हें कैसे कैसे गेम चाहिए। यहाँ पर डेस्टिनी 2 फ्री में मिल जाएगा तुम्हें, डेस्टिनी 2 मैंने किसी ने पूछा था मेरे से फ्री है कि नहीं, तो मैंने बता दिया डेस्टिनी 2 फ्री है, पर डेस्टिनी 2 बियॉन्ड द लाइट्स या साइन ऐसे ही कुछ नाम है उसका, वो फ्री नहीं है, वो 850 रुपये के आसपास का है। मेरे ख्याल से उतना पे करना बनता नहीं है, क्योंकि जब ओरिजिनल वर्जन ही फ्री है तो उसका हायर वर्जन लेके क्या फ़ायदा मेरे ख्याल से। तुम एक में इतने में संतुष्ट रहो है नहीं, तुम भाई तुम देख सकते हो, तुम्हें यहाँ आके रेगुलर चेकआउट करना पड़ेगा ऐसे धीरे 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 करके, ताकि तुम्हें अपडेटेड रहो, और नहीं कर रहना चाहते ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बटन दबाओ। अगर कोई बड़ा और भारी भरकम गेम आएगा तो तुम्हारा भाई तुम्हें ज़रूर से अपडेट करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम एपिक गेम्स की तरफ, तो भाई तुम देख सकते हो हम मरियल से पीसी में एपिक गेम्स को खोल चुके हैं, और यहाँ लैग और स्टटरिंग अगर तुम्हें नज़र आती है तो भूल जाना कि भाई थोड़ा रैम खाना अपने भाई पे, ये सड़ा सा पीसी है, इसमें से इतना कर पा रहा हूँ मैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वैसे तो मैं इतना नहीं कर पाता, पर चल रहा है काम अपना, जब तक चला रहे हैं। एट दी एंड धूप के कुछ दिन के का सहारा है बस। स्टोर्स पे भाई तुम ऑप्शन में आके देख सकते हो, यहाँ पे तुम स्टोर्स पे क्लिक करोगे तो भाई तुम्हें सीधा सीधा पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी गेम्स के प्राइस डाउन है, किस किस के प्राइस अप हैं। धीरे धीरे यहाँ पे सेल्स वगैरह भी आती रहती हैं, तुम्हें उस चीज़ में अभी तुम देख सकते हो क्राइसिस सस्ता हो रखा है, ठीक है। क्राइसिस सस्ता हो रखा है, क्राइसिस रिमास्टर्ड साइज से सस्ता हो रखा है, वो कुछ 400 रुपये के आसपास का, अगर मैं गलत बोल दूँ तो डिस्क्रिप्शन में अपडेट, सॉरी यार कमेंट सेक्शन में मुझको अपडेट कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम से गलतियां ना करूँ मैं छोटी छोटी। अब तुम देख सकते हो वल्हला यार अभी भी 3000 का बिक रहा, सालों ने सस्ता नहीं किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्री गेम्स वाला सेक्शन है, ये मेरा मनपसंद सेक्शन है, यहाँ पे गेम बिल्कुल मतलब ये वो लेजेंडरी प्लेस है जहाँ पर GTA 5 नामक गेम फ्री हुआ था। अब इस गेम को भाई ऐसा मुझे खेलना था, इसलिए मेरी इच्छा पूरी हुई भाई, उस गेम को मैं खेलना चाहता था और GTA 5 को खेलना चाहता था, जस्ट कॉज 4 को खेलना चाहता, तो वो दोनों ही गेम ना इस प्लेटफॉर्म में फ्री, तब से मेरा मनपसंद बन गया भैया ये फ्री गेम्स वाला सेक्शन। इस गेम में ये भाई इतना ख़तरनाक है कि भाई ये एक्सपेंसिव गेम भी फ्री करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे पता नहीं चलता कि कब कौन सा बेहतरीन गेम फ्री हुआ है, अभी तो ये सर्वाइवल मास का ही कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन द फॉल गेम बढ़िया लग रहा है देखने में, तो ये अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते थर्सडे को आकर क्लेम कर लेना, क्योंकि तब ये सड़ा सा गेम हट जाएगा, सर्वाइविंग मास और द फॉल आ जाएगा। मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी दिखा देता हूँ,
कि भाई मैंने कितने गेम फ्री किए, क्योंकि तुम कई लोग सोचोगे इस तरीके से गेम क्लेम करने से होता क्या है, इस तरह गेम क्लेम करने से ना मेरी जैसी लाइब्रेरी बनती है जैसी मैंने बनाई है। अब तुम सोचोगे इसमें से कुछ गेम तूने परचेज़ किए होंगे, भैया मैं तुम्हें कसम खा के कह सकता हूँ 100% ये एक भी गेम पे मेरे को पोटी कॉडी नहीं दी गई है, ठीक है। मैंने पैसा दिया ही नहीं क्योंकि मेरे को पैसा था ही नहीं कभी भी इन्हें पे करने के लिए। मैं भी पायरेसी करा करता था पहले, लेकिन फिर मैंने गेम देखा, गेम्स पायरेसी और क्या कहता ओरिजिनल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो मैंने लोगों को बताया कि पायरेसी नहीं करनी चाहिए, तो भाई पायरेसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि भाई एट द एंड कोई डेवलपर की गेम बना रहा है, किसी को कोई कंपनी का पैसा लग रहा है, तुम हम पायरेट करके उसे क्रैक कर, तो एट द एंड कहीं ना कहीं हम उस कंपनी को, उस बंदे को उसकी मेहनत का फल नहीं दे रहे हैं, उसको उसकी मेहनत डूब जा रही है, हम डुबा दे रहे हैं। क्योंकि एक बार में जब हम उस गेम को बनाने में 2-3 हज़ार रुपये का इक्विपमेंट लग रहा है, तो भाई उस हिसाब से हमें रखना चाहिए ना, या तो सेकेंड हैंड किसी की आईडी परचेज कर लो, जुगाड़ तुगाड़ लगा लो, इन्हें वहीं से बहुत कुछ मिल जाता है यार। कहीं कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जो सेकेंड हैंड आईडी सेल कर रही होती हैं, कीज सेल कर रही होती हैं, कीज एक्टिवेट कीज दे रही होती हैं, सेकेंड हैंड रीसेल कीज होती हैं। अब भाई तुम देख सकते हैं इसमें मेरे को अच्छे खासे गेम्स हैं, सिर्फ इसी चीज़ ये चीज़ मेरे दिमाग में रखी हमेशा, और पायरेसी करना मैंने बंद कर दिया। तो उसके बाद से मेरे पास अच्छे खासे गेम्स कलेक्ट किए हैं, तो तुम लोग भी कैसे कलेक्ट कर सकते हो एक्टिव रह के। बस तुम्हें भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना और एक्टिव रहना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट, टाटा, सी यू, बाय बाय।